Hello everyone, this is me, Sadia here. मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। अगर राइट नाउ आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो अपने पर्सन के साथ और जानना चाहते हो कि क्या वो आपको मिस भी करते हैं या नहीं, तो ये रीडिंग देख सकते हो। हो सकता है कि आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा मिस करते हो, आप इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा मिस करते हो, उनकी प्रेजेंस को बहुत ज़्यादा मिस करते हो, बट यू डोंट नो कि क्या ये पर्सन भी आपको उस तरह से मिस करता है या नहीं। और आप जानना चाहते हो ये, तो उसके लिए रीडिंग चेक कर सकते हो। इस रीडिंग में हम उनके मैसेजेस भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से ईजी पैसे पेमेंट कर सकते हो, सब तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स सी कि क्या वो आपको मिस भी कर रहे हैं, हाँ या ना। We do have Eight of Swords and the Moon. Definitely miss karta hai person. Acha, aapke person ko bahut had tak lagta hai ki even though wo miss kar rahe hain, ya to unhone aapko block kiya hua hai ya phir aapne unko block kiya hua hai, dono situation mein wo somehow apne aap ko feel karte hain restricted कि वो आपको अप्रोच करें। अगर उन्हें खुद भी ब्लॉक किया हुआ है आपको इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, मुझे लगता है कि उनको बहुत ज़्यादा एक जैसे होता है कि ईगो का मसला है। और मुझे लगता है कि इवन दो वो मिस कर रहे हैं, इवन दो वो बात करना चाहते हैं, लेकिन शायद वो एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं आपकी तरफ। उनको ईगो जो है उनको ब्लॉक कर रही है। समहाउ वो चाहते हैं कि चीज़ें खुद से वर्क हो जाएं। हो सकता है वो चाहते हो कि आप उनको किसी भी तरह से अप्रोच करो या आप कम्युनिकेट करने की कोशिश करो, लेकिन डेफिनेटली ये पर्सन मिस करते हैं आपको। बट यस, ईगो एक मेजर रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से भी फिलहाल आपको उन्होंने रीच आउट नहीं किया। पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, स्पेशली जो नाइट टाइम्स हैं वो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा आपके बारे में सोच रहा होता है। हो सकता है कि दिन भर अपने आप को बिजी रखते हो ताकि आपके बारे में ना ज़्यादा सोच सके, ना ज़्यादा टाइम हो इनके पास, लेकिन जब रात होती है, जब ये पर्सन अपने बेड में आते हैं, तो मुझे लगता है कि इनके जहन में आपको लेकर थाट्स आना शुरू होती हैं। हो सकता है रात को उठकर आपके मैसेजेस का वेट भी करते हों, लेकिन आपको फ़िलहाल अप्रोच नहीं कर रहे, लेकिन एट द सेम टाइम डेफिनेटली एक कनेक्शन फील करते हैं वो आपकी तरफ। सो डेफिनेटली पर्सन आपको मिस करते हैं, लेकिन अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड फील करते हैं आपको अप्रोच करने के लिए और रीच आउट करने के लिए। आप में से वो लोग जो राइट नाउ थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं और जानते हैं कि देयर इज अनदर पर्सन इन देयर लाइफ, हो सकता है कि वो उस वजह से अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड फील करते हैं, बट डेफिनेटली वो आपके बारे में सोचते हैं, आपको मिस करते हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए पर्सन की फैमिली की तरफ से जो है वो अप्रूवल नहीं मिला और जिसकी वजह से कनेक्शन ख़त्म हुआ, तो इन दैट सिचुएशन टू ये आपके बारे में सोचते हैं, आपको मिस करते हैं, बट एट द सेम टाइम रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं टू रीच आउट टू यू और टू टॉक टू यू। आपका पर्सन सबसे ज्यादा आपकी लॉयल्टी मिस करता है, सबसे ज्यादा आपके साथ जो टाइम बिताया है उसने, उसमें लॉयल्टी इज समथिंग जो कि उनको शायद लगता है कि कहीं और शायद नहीं मिल पाएगी उनको। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपका पर्सन एक और रीज़न की वजह से अपने आप को दूर रख रहा हो सकता है। हो सकता है कि उसको लगता हो कि अपनी ज़िंदगी में उसने भी बहुत ज़्यादा चीज़ें वर्कआउट करनी है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को हैंडल करना है और लव रिलेशनशिप को फ़िलहाल टाइम नहीं दे पाएंगे। सो इवन दो वो जब आपको मिस करते हैं, सोचते हैं आपके बारे में, जैसे होता है ना कि कभी कभी आप ऐसे लोगों को मिस करते हो बट यू डोंट फील लाइक कॉन्टैक्टिंग देम, लेकिन आप उनको उनके साथ बिताए हुए वक्त को मिस करते हो, आप उनकी प्रेजेंस अपनी ज़िंदगी में मिस करते हो, बट देन आपको लगता है कि यू डोंट हैव स्पेस फॉर देम इन योर लाइफ राइट नाउ। सो उस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है जहाँ पर आपका पर्सन फिलहाल रेडी और प्रिपेयर्ड नहीं है टू बी इन अ रिलेशनशिप जो कि जिस तरह से आप चाहते हो, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है कि पर्सन रिस्ट्रिक्टेड फील करता है और सोचता है कि मे बी इट्स नॉट द राइट टाइम कि आपको अप्रोच किया जाए या आपको रीच आउट किया जाए, अनटिल अनलेस वो किसी सॉलिड कनेक्शन के लिए रेडी हो। सकता है कि ऐसा कुछ टर्म या कंडीशन आपके एंड से भी इस पर्सन को दिया गया हो जिसकी वजह से वो खुद चूज़ कर रहे हैं कि वो आपको अप्रोच नहीं करें फिलहाल, जब तक कुछ सॉलिड नहीं ऑफर कर सकते, जो कि राइट नाउ दे डोंट फील लाइक इट और दे डोंट फील कि वो कुछ आपको ऑफर कर सकते हैं सॉलिड कमिटमेंट की सूरत में। सो वो भी एक रीज़न हो सकता है।
बट यस, मुझे लगता है कि आपका पर्सन फिलहाल इंडिपेंडेंटली अपना कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं. मुझे लगता है कि किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी पे डिपेंडेंट है, चाहे वो वर्क की वजह से है, चाहे वो फैमिली की वजह से है. देर इज़ समथिंग जो कि ये नहीं कर पा रहे चाहते हुए भी, और उसमें कहीं ना कहीं किसी तरह से कोई और सिचुएशन इन्वॉल्व है. लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर, क्या वो आपको मिस भी करते हैं. देर इज समबडी और समथिंग इन्वॉल्व हेयर जो कि इनके रास्ते में फर्दर रुकावट के जैसे बन जाती है, ब्लॉक के जैसे बन जाती है, जिसको डील करने के लिए शायद इनको थोड़ा वक्त लगेगा. बट मुझे लगता है कि आपका पर्सन डेफिनेटली इन सब चीज़ों से उभर कर निकल कर वापस आएगा आपकी तरफ, एक्शन लेगा. पर्सन आपसे प्यार ज़रूर करते हैं, उनके दिल में आपके लिए स्ट्रांग फीलिंग्स हैं, एक उनको तभी वो सोल कनेक्शन फील कर पाते हैं आपकी तरफ, लेकिन जो एफर्ट शायद उनको करना चाहिए वो कर नहीं पा रहे हैं. मेंटल ब्लॉक्स भी हो सकते हैं मेजॉरिटी लोगों के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि फिजिकल या सर्कमस्टांशियल ब्लॉक्स ज़्यादा हैं यहाँ पर. लेट्स सी कि पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, क्या कहना चाहता है आपसे. आई एम कंसिडरिंग योर लव ऑफर, प्लीज़ गिव मी सम टाइम. आपका पर्सन कहना चाहता है कि वो कंसिडर कर रहा है आपकी लव ऑफर को, उसको थोड़ा और टाइम चाहिए. सो हो सकता है कि वो सोचता हो आपकी दी हुई ऑफर के बारे में, बट एट द सेम टाइम शायद वो अपना डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, तो उनको थोड़ा और टाइम चाहिए. सो प्रॉब्ली शायद वो डिज़ायर करेंगे कि आप मूव ऑन ना करो और उनका वो डिसीजन बनाने का वेट करो जो वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं आजकल. आई नो आई हैव बीन टफ एंड रूड टू यू, प्लीज़ फॉरगिव मी. आपका पर्सन फॉरगिवनेस सीख करना चाहता है यहाँ पर, उसको पता है कि वो शायद आपके साथ रफ और रूड रहे हैं. मे बी वो आपको अच्छे से ट्रीट कर सकते थे एज कम्पेयर टू वट दे डेड. मे बी वी आर सो डिफरेंट बट मे बी वी कुड स्टिल मेक इट हैपन. आपका पर्सन को ये रियलाइजेशन विद टाइम आएगी, यू नो, जहाँ पर हो सकता है कि इनिशियली दे फेल्ट कि वी कैन नॉट बी टुगेदर, हम साथ नहीं रह सकते हैं, हमारे अंदर यू नो ये इशूज़ हैं या कंपैटिबिलिटी इशूज़ हैं, फैमिली इशूज़ हैं और रिलीजन इशूज़ हैं. बट देन उनको स्लोली बट श्योरली जब वो अपने इमोशंस को एक्सप्लोर करेंगे आपके लिए, तो मुझे लगता है उनको ये रियलाइजेशन होगा जहाँ पर ये आपसे कहना चाहेंगे कि शायद हम बहुत डिफरेंट हैं इन डिफरेंट मैनी वेरी वे वेरीड वेज, लेकिन हम स्टिल मुझे लगता है कि कनेक्शन को वर्कआउट कर सकेंगे. सो ये जो रियलाइजेशन है कि इनका फीलिंग्स स्ट्रांग है आपके आपके लिए, वो रियलाइजेशन इनको यू नो इस कनेक्शन को एफर्ट डालने के लिए हेल्प करेगी और इनको रियलाइज़ कराएगी कि यू नो ये आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं. और अगर फीलिंग्स हैं तो डेफिनेटली उनको ये रियलाइज़ होगा कि यू नो चीज़ों को वर्क किया जा सकता है. जब आपके दिल में फीलिंग्स नहीं होती ना, तो फिर आप सोचते कि चलो इट इट डिडेंट वर्क आउट, इट्स ओके, आप लेट गो कर देते हो. लेकिन समहाउ हो सकता है इन्होंने पहले लेट गो किया हो, देन दे रियलाइज्ड कि इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, और वो रियलाइजेशन इनको आपके पास वापस लेकर आएगी. इसलिए ये थोड़ा आपसे टाइम डिमांड कर रहे हैं. आई एम योर मैन और वुमेन फॉर एवर. सो ए पर्सन स्लोली बट श्योरली मुझे लगता है कि इसको ये रियलाइजेशन भी होगा कि ये आपका पर्सन है और इसके दिल में एक वो यू नो एक फीलिंग और सेंस ऑफ बिलोंगिंग आपको लेकर जो है वो स्ट्रांग होगा. सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए, कोई भी सर्विसेज चाहिए जो कि मैं ऑफर कर रही हूँ, चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. और टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर, बाय.